जय सियाराम। कैसे हैं दोस्तों? तो आज तो सबको पता ही है आज कौन सा दिन है और क्या है हमारे देश में, कौन सा उत्सव है। तो उसी उत्सव में हम भी रंगे हुए हैं, अपने प्रभु श्री राम के उत्सव में। तो आज आई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा करते हैं और फिर कुछ बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा पूजा हो गया है। तो पूजा में आज फल चढ़ाए हैं, मिठाई है और मिश्री है। मिश्री का भोग हम रोज लगाते हैं भगवान को, और फल मिठाई आज दिए हैं। विशेष विशेष दिन में फल और मिठाई का भोग लगाते हैं, और ऐसे मिश्री का भोग रहता है। ऐसे पलट पलट कर लड्डू, कभी मिठाई, तो ऐसे होते रहता है। और आज तो पूरा देश राम राम के नाम से पूरा जप रहा है, पूरा अच्छा भी लग रहा है। देखिए कितना अच्छा, आज धूप भी निकल आया है। तो चलिए अच्छा लग रहा है, पूजा हुआ है, पूजा किए हैं। आप लोग भी पूजा किए होंगे, नहीं किए हैं तो कीजिएगा ही, क्योंकि ये तो कोई कहने की बात नहीं है। आज हमारे राम जी का सही मायने में वनवास पूरा हुआ है। इतने दिनों से हमारे राम जी एक त्रिपाल के नीचे रहा करते थे। जब मैं 2005 में अयोध्या गई थी, तो वहाँ पे हम लोग पिंजरे में थे, लाइन में खड़े हुए थे, पूरा कवर किया हुआ था, क्योंकि वहाँ ना बंदर का बहुत उपद्रव है, बहुत बंदर है। तो इसलिए हम लोग पिंजरे में थे और हमारे जो हनुमान जी हैं वो खुले में घूर रहे थे। तो बहुत दूर से उनका दर्शन हुआ, जो पहले त्रिपाल के नीचे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था जो वो राम जी का मूर्ति है या हनुमान जी का। पर वहाँ मैं गई, पूरा इधर गड्ढा उधर गड्ढा, सब तोड़ा हुआ जगह हुआ था। तो बहुत दुख हुआ था, मन ही मन सोच रहे थे पता नहीं ये दिन कब बदलेगा, पर पता नहीं था जो इतना जल्दी बदल जाएगा। जल्दी तो नहीं कह सकते, फिर भी 21 साल लग गया, 20 साल लग गया, 19 साल। तो बहुत दुख हुआ था। और फिर उस समय तो वो देख रूप देख कर आए थे, अब जाएंगे तो देखेंगे जो कैसा है हमारे प्रभु राम। और फिर कोशिश करेंगे हम, जो 25 या 26 में जाने की इच्छा है मेरी, क्योंकि उस समय मंदिर, उनका जो मंदिर है कंप्लीट हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। और फिर राम जी के दर्शन आ रहा, अभी तो कहा गया है, सुन रहे हैं, जो उनका जो मूर्ति बना हुआ है वो 5 साल के बालक का है। तो चलिए उनके बालक रूप को भी हम लोग देख लेंगे, अच्छा लगेगा। और पूरा देश हमारा राम राम हो रहा है। और अभी तो मेरा मानना है जो हमारे 36 कोटि देवी देवता जो हैं सब अभी शायद अयोध्या में ही होंगे, क्योंकि वो लोग भी बहुत प्रफुल्लित होंगे और ऊपर से खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद कर रहे होंगे हम पृथ्वीवासियों को, जो चलो अच्छा हुआ मंदिर कम से कम हो गया। और ये सौभाग्य हमारा है जो इस समय हम जन्मे हैं और पृथ्वी पे हैं और देख पा रहे हैं जो ऐसा उत्सव। और एक समय वो 14 साल का जो था, जो वनवास काट के राम जी आए थे, उस समय वो लोग उत्साह मनाए होंगे जो उनका सौभाग्य था। पर वो उनका सौभाग्य था और ये हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है जो हम उनको इतने दिन इस तरह इतने कष्ट में उनको हम रखे हैं। तो चलो जो हुआ सो हुआ, अब चलो दिन बदल बदल गया है। हमारे बदले ना बदले, हमारे प्रभु का दिन बदल गया है। और चलिए सब कोई पूजा पाठ करते हैं, अपने प्रभु का नाम जाप करते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ कितना पटाखा है। आज हम लोग शाम को दीपावली मनाएंगे, तो इसलिए इसको ज़रा धूप में डाल दिए हैं, क्योंकि एक्चुअली दीपावली ही है। आज हम सबको मन में इतना उत्साह है, दीपावली तो मनाना ही चाहिए, तो दीपावली मनाएंगे, तो शाम को साथ रहिएगा। देखिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और घर में हम नारियल फोड़ रहे हैं। देखिए मेरा बेटा नारियल फोड़ रहा है। जय सियाराम, जय सियाराम। नारियल फूट गया। देखिए दोस्तों, शाम को इस तरह से हम भगवान जी के आगे दिया जलाए हैं मिट्टी का। क्योंकि आज हमारे देश का, हमारे सबका, देशवासियों नहीं पृथ्वीवासियों का दीपावली है। तो देखिए हम भी भगवान जी के आगे दिया जलाए हैं और पूरे घर में भी जलाए हैं, बाहर जलाए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तुलसी मैया को भी सजाए हैं कितना सुंदर से। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। छोड़ दो। हाँ 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 क्या करेगा? Oh, my God.